Hello everyone, good evening, welcome to Unacademy Neet and welcome to this Super 10 series in which we discuss one important topic of biology in just 10 minutes. Right? So, ek bar dekh lu that am I visible or not? Okay, yes. So finally बेटा आज हमने टॉपिक लिया है फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में डिजीजेज की बात तो करते हैं एंड वन ऑफ द डिजीज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल इन दैट चैप्टर इज कैंसर. अब कैंसर और एड्स एक ऐसी डिजीज है जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो मैं इस कैंसर को बहुत ही ईजी वे में आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करती हूँ. सो वॉट बेसिकली इज कैंसर, लेट अस स्टार्ट. आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है. सो कैंसर इज बेसिकली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, जब आपके कंट्रोल में नहीं है. कैसी है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स. ठीक है, सेल रुक नहीं पा रहे हैं, अपनी सेल डिवीजन को रोक नहीं पा रहे हैं और बेटा क्या करते जा रहे हैं, प्रोलीफरेट करते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं. अब इससे नुकसान क्या होगा बॉडी को, कि जिस सेल की सेल डिवीजन रुक जानी चाहिए थी, अगर वो ग्रो करता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा, देन इट विल टेक अप द न्यूट्रिएंट्स. और आप खाना तो उतना ही खा रहे हो, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स किसके लेगा, वो आपके नॉर्मल फंक्शनिंग सेल के न्यूट्रिएंट्स लेगा, जिसकी वजह से आपके बाकी के इंपॉर्टेंट सेल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है न्यूट्रिएंट्स की, एंड सेम वे उस तरीके से सिम्टम्स आते हैं. तो जो भी एक कैंसरस ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होती है, सबसे मेजर प्रॉपर्टी जो उसमें देखी गई है दैट इज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. अब इसका क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, विच मीन्स दैट जो नॉर्मल सेल थे वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आकर ना अपनी सेल डिविजन को रोक देते थे, नॉर्मल सेल रोक देते थे. लेकिन ये जो कैंसरस सेल्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आकर भी अपनी सेल डिवीजन को रोक नहीं पाते हैं, इनहिबिट नहीं हो पाते हैं. नॉर्मल सेल शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कि कॉन्टैक्ट में आएंगे और इनहिबिट हो जाएंगे. लेकिन जो कैंसरस ग्रोथ है, कैंसरस सेल्स हैं, उनमें ये प्रॉपर्टी गायब है. आपस में टच भी हो रहे हैं फिर भी कॉन्टैक्ट में आने के बावजूद वो उनकी सेल डिवीजन इनहिबिट नहीं हो पा रही है. दूसरी जो प्रॉपर्टी है बेटा, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर्स. They don't respond to normal growth factors. ठीक, हाँ जी. तो ये जो कैंसर है उसमें देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ मास ऑफ सेल, एक लंप बन जाता है, मास बन जाता है. उस मास ऑफ सेल को, उस लंप को आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज नियोप्लाज्म. दैट मास इज कॉल्ड एज नियोप्लाज्म और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूमर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूमर. अब ये जो आपका ट्यूमर है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो उसी जगह पर रहे, इट स्टेज लोकलाइज एट दैट पोजिशन ओनली. दैट टाइप ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड एज बिनाइन ट्यूमर. दैट टाइप ऑफ ट्यूमर विच इज लोकलाइज एट वन पॉइंट, एक ही जगह पर है, एक ही ऑर्गन के अंदर है, फैल नहीं रहा है, जिसका रिमूवल थोड़ा आसान होगा एक डॉक्टर के लिए, दैट इज कॉल्ड एज बिनाइन ट्यूमर. एक दूसरे तरीके का ट्यूमर है जिसमें इट्स काइंड ऑफ स्प्रेड्स टू अदर एरिया, इट शोज मेटास्टासिस. ये ट्यूमर क्या शो करता है, मेटास्टासिस की प्रॉपर्टी, जिसमें वो एक ऑर्गन से ओरिजिनेट हुआ और अलग अलग ऑर्गन्स में जाकर फैल गया. दैट टाइप ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर. दैट ट्यूमर इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर. मैलिग्नेंट ट्यूमर ने कौन सी प्रॉपर्टी शो की, इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टासिस. Metastasis. This is a property by which a tumor, starting at one point, it spreads to other organs of the body. ज़्यादा harmful कौन सा है? ज़्यादा harmful है आपका malignant, क्योंकि वो अलग अलग organs, अलग अलग tissues को invade कर चुका है, तो उसका removal comparatively थोड़ा सा क्या होगा? Difficult होगा. अब cancer cells में ना cell death एक तरीके से absent होती है, है ना? सेल ग्रो करी जा रहे हैं, सेल डिवीजन होती जा रही है, उनमें जो एपोप्टोसिस है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, कि इतने समय के बाद इसकी डेथ होनी चाहिए, आरबीसी की डेथ 120 डेज के बाद होनी चाहिए, है ना, उसका एक लाइफ स्पैन है. लेकिन जो कैंसरस सेल्स हैं, देयर एपोप्टोसिस इज एब्सेंट. इनमें जो एपोप्टोसिस होती है वो एक तरीके से क्या चल रही है, एब्सेंट चल रही है. और ये बहुत शातिर भी है. शातिर क्यों है? अब इनको चाहिए न्यूट्रिशन, ग्रो करते जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन के लिए अपने अराउंड ना ब्लड वेसल बनाने की तैयारी करेंगे. ब्लड वेसल बनेगी तो वहां से न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो इनका और अच्छा मामला चलता रहेगा, ग्रोथ होती रहेगी. सो व्हाट दे रिलीज, ये क्या रिलीज करते हैं, TAF. दे रिलीजेस TAF, दैट इज
ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर. एंजियोजेनेसिस क्या होता है? ब्लड वेसल का फॉर्मेशन. सो दे रिलीज ट्यूमर, ट्यूमर ने रिलीज किया एंजियोजेनेसिस. दिस इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन. जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन किसकी? ब्लड वेसल्स की. एंड उससे रिलेटेड ये ग्रोथ फैक्टर्स को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं ताकि इनके आसपास ब्लड वेसल्स बन जाए. अगर इनके आसपास ब्लड वेसल बन गई तो बहुत इजीली दे विल बी एबल टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट ब्लड एंड दे विल बी एबल टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट. अब कैंसर बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं. मेजर टाइप ऑफ कैंसर की मैं बारे में बात करती हूँ. मोस्टली 85% ऑफ द कैंसर दिस हैपन्स इन दैट टिश्यू विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टोडर्म. सो दैट टाइप ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज कार्सिनोमा. उस कैंसर को क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा. ये कैंसर उन टिश्यूज में होता है विच आर एक्टोडर्मल इन नेचर. ठीक है. सो इट इज कैंसर इन दोज टिश्यूज विच इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म. मोस्टली यही वाला कैंसर होता है. 85% यही वाले कैंसर होते हैं. एग्जाम्पल आपका ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर या जो भी कैंसर आप इस टाइम पे जानते हैं. ठीक है. ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इसोफेजियल कैंसर हो गया, आपका लंग कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, ये सब क्या है आपके? कार्सिनोमा है. दूसरे नंबर पे आपके आ जाते हैं सार्कोमा. ठीक है, सार्कोमा. अब सार्कोमा वर्ड आपके लिए नया नहीं है. सार्को, सार्कोमियर, मसल. मसल इज डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म. सो दिस इज द कैंसर इन दैट टिश्यू विच इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म. है ना, जैसे कपोसिस सार्कोमा. बोन्स में जो कैंसर होता है वो क्या रहेगा आपका? सार्कोमा रहेगा. लिम्फोमा वो क्या रहेगा आपका? सार्कोमा रहेगा. इसके अलावा और भी कैंसर है जैसे ग्लायोमा. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कैंसर. ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया. ठीक है, ये भी क्या है? एक तरीके के कैंसर है. तो ये क्या है आपके? टाइप्स ऑफ कैंसर. अब बात करते हैं कि कैंसर के कॉजेज क्या हैं. व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ कैंसर. ठीक है, किस वजह से हुआ? क्या हमारे अंदर जेनेटिक फैक्टर था या बाहर वायरस लेके आया या फिर हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपोज थे? व्हाट वर द मेजर कॉजेज ऑफ कैंसर? बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इफ वी टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ कैंसर, तो सबसे पहला जो आपका कॉज रहेगा हाँ जी, सबसे पहला कैंसर का बेटा जो कॉज रहेगा दैट इज गोइंग टू बी योर जीन्स. यस, समटाइम्स इट इज जेनेटिक इन नेचर. कुछ इरिटेंट्स की वजह से आपके वो जीन ऑन और ऑफ भी हो जाते हैं. नाउ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैंसर इट इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी. तो जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं. तो ऑन्कोलॉजी में बेटा कुछ आपके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जिसको बोला जाता है प्रोटो ऑन्को जीन्स. क्या बोला जाता है? प्रोटो ऑन्को जीन्स. ये आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर प्रस्तुत होते हैं, चाहे आपको कैंसर है चाहे नहीं है. लेकिन अभी ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है. किस फॉर्म में प्रेजेंट है? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है. अगर ये एक्टिव हो गए, अगर ये प्रोटो ऑन्को जीन्स किस में बदल गए? ऑन्को जीन्स में बदल गए तो बेटा कैंसर हो सकता है. ठीक है, तो पहला कॉज ये है एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्को जीन्स. इट कैन हैपन ड्यू टू एनी फिजिकल और केमिकल इरिटेंट. दूसरा एक और जीन है दैट इज कॉल्ड एज टीएसटी. सेकेंड टाइप ऑफ जीन इज कॉल्ड एज ट्यूमर सुप्रेसर, ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स. ठीक है, नाम से ही क्लियर है. ये वो जीन है जो ट्यूमर को सुप्रेस करके रखता है. ये आपकी बॉडी में है इस टाइम पर, लेकिन ये क्या है? ऑन है, सुप्रेस करके रखा है. अगर बेटा ये जीन क्या हो गया? ऑफ है ना, ये जीन ऑफ हो गया. इसने सुप्रेस करना बंद कर दिया. सुप्रेस करना बंद कर दिया तो बेटा ट्यूमर ग्रो कर पाएगा? हाँ जी. तो ये भी एक कॉज है. थर्ड टाइप ऑफ कॉज इज वायरस ऑल्सो. कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास ऑन्को जीन्स प्रेजेंट हैं. मतलब अगर इस वायरस का आपको इन्फेक्शन होगा तो वो ऑन्को जीन्स आपके अंदर जा सकते हैं. बहुत सारे वायरसेस हैं, फॉर एग्जांपल एचटीएलवी. ठीक है, सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचआईवी. इन सब वायरसेस में क्या है? ऑन्को जीन्स हैं. और अगर आपको इन वायरसेस का भी इन्फेक्शन होता है तो उस केस में भी कैंसर के होने के चांसेस रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ऑल्सो अदर वेरियस काइंड ऑफ इरिटेंट्स लाइक फिजिकल एजेंट्स हो गए, केमिकल एजेंट्स हो गए, बायोलॉजिकल एजेंट. तो यही है बायोलॉजिकल एजेंट. लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कैंसर वाले जीन लेके आ रहा है ना. ऑन्को वर्ड ऑलवेज रिलेटेड टू कैंसर. इसके अलावा बेटा कुछ फिजिकल एजेंट्स भी हैं. फिजिकल एजेंट लाइक बेटा
यूजिंग अ कांगड़ी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. आपने देखा होगा जो लोग कश्मीर में रहते हैं या बहुत ठंड में रहते हैं, दे वियर अ काइंड ऑफ स्पेशल यू नो वुलन थिंग, पूरा एप्रन टाइप पहनते हैं जिसको फैरन बोलते हैं, और फैरन के अंदर उन्होंने ऐसा एक कांगड़ी पकड़ी होती है जिसके अंदर कोयला जल रहा होता है ताकि उनकी स्टमक को कॉन्स्टेंटली हीट मिलती रहे. अब वो फिजिकली क्या कर रहा है, वो कोयला उनकी स्टमक के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ कैंसर. ठीक है, फिजिकल एजेंट में आपके सामने आ जाएगा जो लोग तंबाकू यू नो गुटखा ये सब चीज़ें खाते हैं, इट कैन लीड टू कैंसर इन देयर ओरल कैविटी. तो बीटल, पान खाना, ये सब क्या है, सब फिजिकल एजेंट है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है. तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कांगड़ी, यूज ऑफ कांगड़ी एंड देन यूज ऑफ बीटल, देन बेटा यूज ऑफ टबैको. ठीक है, तो ये हो जाएंगे फिजिकल एजेंट. इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी हैं विच आर कैंसरस, है ना. देर आर सर्टेन केमिकल विच आर कैंसरस लाइक कोल तार, सूट, कैडमियम ऑक्साइड, मस्टर्ड ऑयल. ये सब क्या है, मस्टर्ड गैस, ये सब क्या है बेटा, कैंसरस हैं, इनसे भी आगे जाकर कैंसर हो सकता है. ठीक, यस कुछ ऐसी डाइज होती हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जैसे जो डाई वाली इंडस्ट्री है उसमें कॉन्स्टेंट एक्सपोजर रहता है जितने भी लोग वहाँ पर काम करते हैं, तो उनको उस टाइप का कैंसर होने के चांसेस हैं. जो कोल माइंस हैं, कोल माइंस में ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहेंगे तो वहाँ से भी कैंसर होने के चांसेज हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ इस तरीके के केमिकल्स निकलते हैं. अपार्ट फ्रॉम केमिकल देर आर सर्टेन रेडिएशन ऑल्सो. ठीक है, रेडिएशन देयर कुड बी आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग. आयोनाइजिंग लाइक एक्सरेज, है ना, एक्सरेज, गामा रेज, देन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस. ये सब कॉजेज है, ये सब प्रोवोक करती हैं. ये 100% नहीं होता कि जो एक्सरे करा के आ जाएगा उसको कैंसर हो जाएगा. नो, दीज थिंग्स आर गोइंग टू मेक अ पर्सन ससेप्टेबल टू दैट थिंग. ससेप्टेबिलिटी बढ़ती है, 100% नहीं होता है. जैसे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज. अब यूवी रेज आपके सन से आती हैं, ये यूवी रेज से जो एक्सपोज होता है उसको जनरली क्या देखा जाता है, स्किन कैंसर होता है. लेकिन सबको नहीं होता, कुछ लोगों को होता है. सो इट जस्ट इंक्रीजेज योर ससेप्टेबिलिटी एंड इट मेक्स यू वल्नरेबल, बट इट इज नॉट अ श्योर श्योर थिंग कि अगर ऐसा होगा तो कैंसर पक्का ही होगा. ये वन ऑफ द कॉज है कि अगर ऐसा होगा तो कैंसर होने के चांसेस रहते हैं. तो ये सारी चीजें क्या हैं, आपके बायोलॉजिकल एजेंट हो गए, फिजिकल हो गए, केमिकल हो गए, रेडिएशन हो गए, ऑल ऑफ दीज आर कॉजेज ऑफ कैंसर. अब मान लो कैंसर हो गया, पता कैसे लगाए, कौन सा टेस्ट कराए, है ना, जिससे पता लगा पाए, डिटेक्शन ऑफ कैंसर. नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी, अरे पेज खत्म हो गया, पेज ऐड करना पड़ेगा, है ना, रुको. ओके, लेट मी ऐड अ पेज, रुके इसको कीप करते हैं एंड यहाँ पर हम नई स्लाइड ऐड करते हैं, एक और नई स्लाइड ऐड करते हैं. ठीक, ओके, यस, ताकि आपके नोट्स बने रहे, इसीलिए मैं इस पे लिख रही हूँ. कोई बात नहीं, वाइट पे कर लेना, है ना, तो क्या हो गया, वाइट पे भी चीजें अच्छी लगती है. यस, स्टार्टिंग विद डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैसे पता लगाएं कि कैंसर हो गया है. हाँ जी, सबसे पहले क्या करा लेंगे, टिश्यू की बायोप्सी करा लेंगे. यस, फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी बायोप्सी. ठीक है, बायोप्सी के थ्रू हो सकता है, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो मैमोग्राफी हो सकती है. ठीक, यस, और क्या करा सकते हैं, स्कैन्स करा सकते हैं 3D इमेज के लिए, लाइक सीटी स्कैन इज देयर. देन मोस्ट अदर स्कैन्स लाइक एमआरआई, एमआरआई इज कंसिडर्ड टू बी एज वन ऑफ द बेस्ट स्कैन. ठीक है, एमआरआई हो सकती है, सीटी स्कैन हो सकता है. इसके अलावा आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज को भी चेक किया जा सकता है. कई बारी कैंसर सेल के अगेंस्ट बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज भी बनाती है, वो भी डिटेक्ट हो सकती हैं. ठीक है, वन ऑफ द एंटीबॉडीज, दिस इज कॉल्ड एज हर्सेप्टिन. ठीक है, हर्सेप्टिन का यूज करके, हर्सेप्टिन को डिटेक्ट करके भी पता चला जा सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म को, उस ह्यूमन को कैंसर है या फिर नहीं है. अगर उसकी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है तो बेटा कैंसर है, अगर नहीं बना रही तो कैंसर नहीं है. सो एंटीबॉडी अगेंस्ट द कैंसर. अब मुझे पता चल गया कि यार कैंसर है, मान लो पता चल गया, अब ट्रीटमेंट कैसे ट्रीट करोगे इसको. इफ यू विल टॉक अबाउट ट्रीटमेंट, सो अगर तो कैंसर बिनाइन है, इफ इट इज लोकलाइज एट वन पॉइंट, देन द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट इज सर्जरी. ठीक है, अगर पॉसिबल हो सके तो इस केस में क्या करी जाती है, सर्जरी. बट अकेली सर्जरी भी काम नहीं करती है, सम टाइम सर्जरी हैज टू बी अकम्पनीड विद वेरियस अदर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स. लाइक सर्जरी के साथ क्या कराई जा सकती है, रेडिएशन थेरेपी कराई जा सकती है. ठीक, सर्जरी अकेली भी काफी हो सकती है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन.
साथ ही में क्या कराई जा सकती है, रेडिएशन थेरेपी, जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का रेडिएशन दिया जाता है, लाइक कोबाल्ट 60, रेडॉन का, इस तरीके से रेडिएशन दिया जाएगा जिससे जो एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल है दैट वुड बी किल्ड. ठीक है, रेडिएशन दिया जा सकता है लाइक कोबाल्ट एंड रेडॉन. इनके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज करके हम कैंसरस सेल के ऊपर डालेंगे एंड उससे जो कैंसरस ग्रोथ है उसके खत्म होने के चांसेस हैं. इसके अलावा और कौन सी थेरेपी दी जाती है, देयर इज कीमोथेरेपी, है ना, केमिकल्स या फिर ड्रग्स की हेल्प से जो कैंसरस मास है उसको किल करने की कोशिश की जा रही है. अब इसमें देयर इज अ प्लांट बेस्ड केमिकल जो यूज किया जाता है, दैट प्लांट इज कॉल्ड एज सदाबहार प्लांट. क्या नाम है उस प्लांट का, सदाबहार. ठीक है, दिस सदाबहार इज एक्चुअली पेरीविंकल. ठीक है, दैट इज कैथरेंथस रोजियस, कैथरेंथस रोजियस. ठीक है, इससे हम दो दो ड्रग्स लेते हैं, कौन कौन से, विनब्लास्टिन. ठीक है, विनब्लास्टिन, ये ड्रग आपने और कहां पढ़ा था, ये ड्रग बेटा आपने पढ़ा था बायो मॉलिक्यूल्स में, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, है ना. ये जो ड्रग्स हैं, दीज बोथ आर एक्चुअली माइटोटिक इनहिबिटर, माइटोसिस को रोकते हैं. अगर इन्होंने माइटोसिस रोक दी तो कैंसर की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि सेल्स डिवाइड कैसे कर रहे हैं, दे आर डिवाइडिंग बाय माइटोसिस ओनली, एंड दीज टू ड्रग्स दे आर नोन टू ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. ठीक है, ये एक तरीका है कि कीमोथेरेपी दी जाती है, देन कीमोथेरेपी अकेली भी दी जाती है, कई बारी सर्जरी के साथ भी दी जाती है. देन वन ऑफ द अनदर मेथड इज कि हम कुछ ऐसे ड्रग्स दें, कुछ ऐसा मॉडिफाई करने के लिए सब्सटेंस दें जिससे इम्यून सिस्टम ही कैंसरस सेल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर दे. दैट मींस वी कैन आल्सो प्रोवाइड बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर. ये बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर क्या करेगा, ये बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर आपके ही इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगा ताकि वो कैंसरस सेल से लड़ाई कर पाए, एंड दैट इज अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन्स. सो दीज आर बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर गिवन इन केस ऑफ कैंसर पेशेंट. तो ये बात होगी बेटा कैंसर की, कैंसर के बारे में हमने जान लिया क्या होती है, कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, देन कैंसर कितने टाइप्स का होता है, कैंसर के कॉजेज क्या हैं, कैंसर का डिटेक्शन कैसे होता है और कैंसर का ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है. आई होप दैट दिस टॉपिक इज 100% क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड आज आप जितने लोग आए हैं, आई रियली विश कि आप लोग हर क्लास ये अटेंड करें. ये क्लास रोज सुबह 9 बजे और रोज रात को 9 बजे होती है. आई रियली विश कि आप हर क्लास में अटेंड करें. कल सुबह जो 9 बजे हम टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी जॉइंट्स, एंड मेरे साथ आप प्लस में भी एनरोल कर सकते हैं. माई 3 बैचेस आर गोइंग ऑन, 2 संजीवनी बैचेस फॉर 11th and 12th, प्लस 1 विजय भव बैच फॉर क्लास 11th. तो 3 चैप्टर मेरे ऑलरेडी प्लस में ऑन गोइंग चल रहे हैं, राइट. हाँ जी, साथ ही में आपके और भी बैचेस है, लाइक ऑल स्टार बैच, समर्पण बैच, परीक्षा बैच, क्रैश कोर्स है. इन सब बैचेस में बेटा एनरोल करने का इससे अच्छा समय कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप अगले 7 दिन में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको क्या मिलते हैं, अन अकेडमी के नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में एट योर डोर स्टेप. यस, बट दिस ऑफर इज ओनली फॉर दीज 9 डेज, 21st to 30th of June. अगर आपको लगता है कि कहीं प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में अन अकेडमी ऑफर्स अ लोन ऑल्सो. तो ये आपके सामने कंपैरेटिव प्राइसेस हैं ऑफ प्लस एज वेल एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. प्लस में बेटा आपको क्या मिलेगा, अगर आप यूज करेंगे सीप लाइफ कोड तो आपको मिलेंगे बेनिफिट्स लाइक यू आर गोइंग टू गेट DPP, आप मैम की पर्सनल मेंटोरशिप में आ जाएंगे, आपको बेटा सारी PDFs मिलेंगी. जो आइकॉनिक वाला बच्चा वो PDF डाउनलोड भी कर सकता है, जो प्लस वाला बच्चा वो PDF को वहीं देख सकता है, ठीक है. साथ ही में आपकी रोज रोज मैम के साथ पर्सनली डाउट सॉल्व होंगे, एवरी डे देयर इज डाउट सॉल्विंग, एंड देन ऑफकोर्स यू विल कम इन माई मेंटोरशिप, ठीक है. तो ये कंपैरेटिव प्राइसेस हैं प्लस और आइकॉनिक के, ये आपके करियर में एक तरीके का इन्वेस्टमेंट रहेगा. और अगर आप 30th June तक आइकॉनिक लेते हैं तो वो नोट्स आपको एज अ मॉड्यूल की फॉर्म में, हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी मिलेंगे. और अभी समय सबसे अच्छा है क्योंकि अभी ऑफर्स चल रहे हैं, दैट इज 3+1, 3 महीने का लेंगे तो 1 मंथ फ्री, 12+2 एंड 24+3. और अगर आप NEET UG के साथ साथ CBSE का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बेटा CBSE तो ऑलमोस्ट फ्री आता है, ठीक. कैसे, क्योंकि सीप लाइफ कोड यूज करने से 10% ऑफ होगा, प्लस 15% होगा, प्लस बेटा 2 मंथ्स भी फ्री मिलेंगे. तो ऑलमोस्ट CBSE जो बोर्ड्स की तैयारी है वो आपके साथ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है. 2 साल का लेते हैं तो 10+20% ऑफ हो जाएगा, प्लस 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन क्या रहेगा आपका फ्री.
तो आप जुड़ सकते हैं बेटा मैम के साथ बाय यूजिंग दिस कोड सीप लाइव, और इसको यूज करके आप किसी भी टीचर से और भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं. आई विल सी यू टुमारो 9 AM एंड आई वॉन्ट द सेम क्राउड इन माई एवरी क्लास. सारे टॉपिक करने के नहीं करने, सिर्फ कैंसर ही करना था, ठीक है? तो बेटा कल मिलते हैं. इसकी PDF के लिए आप जाइए लिंक ट्री पर, ठीक है? सब बच्चे जाएंगे लिंक ट्री पर, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी PDFs मिलती है मैम की, linktr.ee/seep.pahuja, ठीक है? यहाँ पर जाएंगे तो आपको सारी PDF एक अरेंज फॉर्म में, मैंने अब तक जितने सेशंस लिए सबका PDF एंड सेशन लिंक वहाँ पर मिल जाएगा. एवरीवन टेक केयर एंड हैप्पी संडे. बाय बाय.